ठीक है, अपने पास है माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेटर। अभी तक एक दो क्लास कई मतलब बहुत सारी क्लास होती है इंक्यूबेटर के ऊपर, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो हम भूल जाते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता है, तो उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये बेसिक इंक्यूबेटर है जो नॉर्मली हर लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा, जो एजुकेशनल लेबोरेटरी होती है। ठीक है, जो वर्किंग लेबोरेटरी होती है उसमें इस टाइप का इंक्यूबेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें फैन नहीं है, सिर्फ हीटिंग कॉइल होगी, ठीक है, थर्मोस्टैट होगा इसके अंदर, फ्लास्क होगा इसके अंदर, आउटर और इनर वॉल्व होगी, और कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए स्पेस होगा। ठीक है, इंक्यूबेटर क्या होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करके देता है, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। यानी बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, कितने टेम्परेचर पे ग्रो करेगा, उसका पूरा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करके देना इंक्यूबेटर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप ही कर देगा, नहीं, हम टेक्नीशियन उसको फीड करते हैं, टेम्परेचर फीड करेंगे, तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अंदर का एनवायरमेंट उसको सेट करेगा। जैसे घर में गर्मी लगती है, एसी ऑन करते हैं, ठंडा कर देता है, अब तो एलेक्सा को बोल देते हैं, ऑटोमेटिक है, कर देती है, लेकिन यहाँ वो काम नहीं है। ठीक है, यहाँ हाँ, ये क्या करता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर अटेन करेगा तो पावर कट कर देगा, जिससे टेम्परेचर बढ़े नहीं, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो पावर दे देगा कि फिर से टेम्परेचर अटेन हो जाए। ये सिस्टम इसके अंदर होता है, ऑटो कट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आउटर बॉडी की बात करूँ, स्टेनलेस स्टील, मेटल, आयरन, जिसका भी हो, ठीक है, हैवी मेटल का होता है, ठीक है, इसके इनर और आउटर वॉल्व में एक स्पेस होता है, जैसे कि आप यहाँ डोर में देख सकते हो। ठीक है, ये इतना मोटा डोर है इसका, ठीक है, लाइट वेट है, हैवी वेट नहीं है। उसका रीजन है, इसके बीच में आपने मिल्टन की बोतल देखी है, जिसमें हम ठंडा पानी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, तो वो काफी टाइम तक सेम टेम्परेचर रखता है। वो काम क्या करता है, आउटर सरफेस के टेम्परेचर को, या अभी बाहर का टेम्परेचर 22, 23, 25 हो रहा है, और इसके अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर, अगर उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ कराई जा रही है, कोई कल्चर मीडिया रखा हुआ है ग्रोथ के लिए, तो इसका टेम्परेचर 37 पे फिक्स करके रखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, बेसिकली फ्लास्क जो इसके अंदर होता है, वो आउटर टेम्परेचर को इनर टेम्परेचर के साथ मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, इस दोनों ग्लास के बीच में भी गैस फिल होती है, क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है अब तक का, ठीक है, ये डोर हो गया, लॉक सिस्टम इसमें मैग्नेटिक है, कई जगह हैंडल लॉक सिस्टम रहता है। अब इसके अंदर का देख लेते हैं, तो इसमें चारों तरफ से हीटिंग कॉइल लगी होती है, प्लेट कह सकते हो, कॉइल भी नहीं, वो प्लेट इसके इनर वॉल्व पे टच रहती है। ठीक है, वो प्लेट ही इसको इनर एनवायरनमेंट को टेम्परेचर देती है। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा इंक्यूबेटर होगा तो उसमें आप फैन भी देखोगे, जिससे वो एयर को सर्कुलेट करता है और हर एक कोने का टेम्परेचर बराबर मेंटेन करता है। ठीक, इसके अंदर आप देखोगे ये रैक सिस्टम है, ये रैक है, इसी रैक पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेट्स रखते हैं, कौन सी, कल्चर प्लेट्स रखते हैं। ठीक है, कोई रिएजेंट हमें ट्यूब में करके इंक्यूबेट करना है कोई सर्टेन टेम्परेचर पे 37 पे, तो हम इस तरीके के टेस्ट ट्यूब रैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक थर्मोस्टैट लगा रहता है, ये रहा टेम्परेचर, ऐसे थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर की नोजल है, तो ऐसे ही एक नोजल यहाँ पे रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर यहाँ डिस्प्ले थर्मामीटर में दिखता है। ठीक है, ये मर्करी बेस्ड थर्मामीटर है इसके लगा हुआ, इसको कहते हैं थर्मोस्टैट, इसको बंद कर देते हैं, ये है हमारा थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट का क्या काम है, टेम्परेचर को सेट करना, मैंने सेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही सेट किया तो पावर इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, पहले मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ, होपफुली शायद ये अभी इस टाइम पे वर्किंग हो, हाँ वर्किंग कर दिया, या मैंने अभी पावर स्विच ऑफ कर दिया है, ये पावर स्विच है, ये पावर स्विच मैंने इसका ऑन किया और इसको मैंने अभी जीरो पे करके छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी हम इसमें करके देखेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे, उस पानी को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे 37 पे, इसको सेट करेंगे और फिर जब वो हीटअप हो जाएगा आधा एक घंटा रखने के बाद, हम चेक करेंगे उस पानी का टेम्परेचर कितना है, अगर 35, 36 के आसपास पहुंच रहा है, इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है, क्लियर है, वो भी देखा जाएगा। चलो अब
यहाँ पावर मेन जल रहा है, ठीक है। ऑटो कट वाला अभी बंद है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने टेम्परेचर जीरो कर रखा है। अब मैं इसको 30 पे लेके जाता हूँ। ये मैंने इसका अप्रोक्सीमेटली 37 के आसपास सेट किया है थर्मोस्टेट की हेल्प से। अभी यहाँ पे कोई भी एक जना आओ आगे और मुझे बताओ कि आपको मरकरी में यहाँ पे कितना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। कोई भी एक जना आ सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ कितना टेम्परेचर है? जीरो है, कुछ शो नहीं हो रहा है। अभी मरकरी का कोई आई नहीं रखा है, तो नीचे यहाँ इधर कहीं रखा होगा। कहाँ से लोग ठीक है, इसमें दिख रहा है। ओके, आप भी आ सकते हो बेटा, इधर बिल्कुल आराम से आ जाओ। यहाँ पे देखोगे दोनों लोग आ जाओ। ये मरकरी यहाँ तक आ रखी है 30 तक, ध्यान से देखो दिख रहा है नहीं? हाँ जी, आपको दिख रहा है? गौर से देखिए इस स्केल को। नहीं दिख रहा? यहाँ जहां मैं खड़ा हूँ ना, जिस लेवल पर देखो, पहले मेरा लेवल देखो एक बार। यहाँ पे ब्लैंक है 30 के बाद, 30 से पहले हल्की सी ग्रे कलर की लाइन दिख रही है। देखिए 30 से पहले देखिए ग्रे कलर की लाइन दिख रही होगी और उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा होगा। ऐसे जो आप ऐसे मुंडी मत दिलाना, कितनी भी सही है, मैं पूछ लूंगा बाद में कितना टेम्परेचर है। इतना भरोसा नहीं है, मैं सही लोग पूछूंगा। नहीं दिखा? अच्छा, ये होता है, दिखा? हाँ जी दिख गया। अच्छा पूछूंगा, नहीं दिख रहा सर, गायब हो गया। ठीक है ना, ऊपर से देखो, यहाँ से हल्का सा ऐसे आंखों को ना इस तरीके से अभी जाएगा 37 तक जाएगा। 37 इसमें लगा के छोड़ रखा है, ऑटो कट बंद हो गया, इसका मतलब और बढ़ाना पड़ेगा। देखो वो जैसे ही अटेन करेगा ना, वो बंद हो जाएगा। अभी 37 पे करके रखा था थोड़ा सा, जैसे ही अटेन किया होगा नीचे कहीं पे उसने कट कर दिया। फैन नहीं है इसके अंदर, फैन होता तो अभी टाइम लगता उसको। ठीक है, सामने आ जाओ। तो ये 37 तक आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अभी हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये क्या क्या और इंक्यूबेटर का क्या काम होता है, तो लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सिर्फ इसका काम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं होता है इसका, ठीक है। अगर वन लाइन डेफिनेशन बोलू मैं इसकी, इंक्यूबेटर क्या है, तो इंक्यूबेटर इज इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट्स द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फॉर द हेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ। यानी एक अच्छी बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में रहता है। क्लियर है? धन्यवाद।